मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं यहाँ प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सेना के जो पदाधिकारी है इरफान सैयद, वो शील फाटा इलाके में एक खुले गटर में जो है उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भी शील डायघर पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। बताया जा रहा है यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे थे, जिस वजह से कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर प्लाई रखकर इस खुले हुए गटर को बंद किया था, लेकिन मनसे के पदाधिकारी जो है यहाँ पर इसको जो है खुले हुए गटर को गटर पर खड़े होकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। मनसे के पदाधिकारी इरफान सैयद यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि शील ढाईघर पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है इन्हें हटाने के लिए। ये ढक्कन लाने तैयार नहीं है। मैं महाराज नवनिर्माण का एक छोटा कार्यकर्ता होने की वजह से मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके ढक्कन का पैसा देने तैयार हूँ। वो ढक्कन लेकर के आए इसमें रखे। मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पुलिस से अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इसका ढक्कन मंगाया जाए। पुलिस यहाँ पर आई हुई है आपको निकालने के लिए, क्या मैं इससे हटूंगा नहीं। इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक महीने से ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत हादसे हो चुके हैं। मैं यहाँ से जा रहा था, मैं खुद गिरते गिरते बचा। यहाँ पर कई रिक्शा वाले टकरा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो रही है। बड़ी बेशर्माई की बात है कि यहाँ पर एक ढक्कन नहीं है, कितने हादसे का इंतजार करेगी? क्या मौत का इंतजार कर रही है कि हम लोग यहाँ पर मरें जब वो आएगी? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ढक्कन लाना चाहिए। जब तक ये आप देख सकते हैं कि ये जो है गटर ये खुला हुआ था ये, और इसके अंदर ये जो है इरफान सैयद घुसकर यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि इस पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि इससे हादसे हो सकते हैं। ये सिलफाटा का इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियों की 24 घंटा बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों का आना जाना होता है और हादसे होने के इसमें चांस काफी ज्यादा है। इरफान सैयद यहाँ पर इस गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के लिए जो है वो इस खुले गटर में उतर गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पहले ये लकड़ी का जो प्लाई है ये प्लाई रखकर इसे ढका गया था, और ढकने की ताकि इसमें हादसा ना हो ये स्थानीय लोगों ने इसे ढका था, लेकिन क्यों ना लेकिन जो है ये जिस तरह से ढक्कन खुला हुआ था ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और मंच के पदाधिकारी इरफान सैयद वो यहाँ पर जो है पहुँचे और वो खुद इस गटर में उतर गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है और ऐसे ही यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। ये देखिए एक कार को जो है एक ट्रक से जो है टक्कर हो गई, क्योंकि ये गटर यहाँ पर जो खुला हुआ है उसमें इरफान सैयद विरोध कर रहे हैं और ढक्कन लगाने के लिए खरोज भी पड़ गया है, काफी एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर, लेकिन गनीमत रही कि जो भी लोग हैं वो सुरक्षित हैं अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इरफान सैयद वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक जो है काफी जाम हो रही है, स्थिति काफी खराब है, और इसी बीच में एक हादसा भी होते होते बच गया। एक कार से ट्रक की जो है टक्कर हो गई, गनीमत रही कि मामूली रूप से है, थोड़ा कार में जो है दरवाजे पर खरोच आया है। बहरहाल पुलिस यहां पर मौजूद है, शील डायघर की पुलिस यहां पर मौजूद है, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है कि वो बाहर निकले। लेकिन इरफान सैयद का कहना है कि जब तक मनपा के अधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक वो इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। सर ट्रैफिक हो रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना सर। पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन इरफान सैयद निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा काम है, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, सही लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं,
पुलिस का रवैया टक्कन तो यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता, लेकिन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, हमें न्यूज कवर करने से भी रोका जा रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक का हवाला दिया जा रहा है। मैं साइड में हूँ, ढाई बजे करूँ टाइम बोलूँ। हाँ मंच के पदाधिकारी इरफान सैयद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शील टाइगर यहाँ पर पहुंची हुई है पुलिस। टाइगर पुलिस स्टेशन गेट कितनी सड़ा है और यहाँ पर टाइगर पुलिस स्टेशन की कितनी सड़ा है और उन्होंने देखा कि वापस गठन खुला है और उन्होंने कहा है कि हम इसका गठन जो है हम जो रखाएंगे म्यूनसिपालिटी वालों से कह करके। उन्होंने हमसे विनती किया और सर ने कॉपरेट किया। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो रही थी, हम सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो महाराज निर्माण सेना का ये छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा था, ढक्कन नहीं था, उसका आकर टाइगर पुलिस स्टेशन ने सहयोग किया। हम चिटनी सर और सर का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसके लिए कहा है कि हम यहाँ पर ढक्कन रखाएंगे और यहाँ पर ढक्कन रखने का काम शाम तक तक किया जाएगा। अगर यहाँ पर चिटनी सर ने कहा है टाइगर पुलिस स्टेशन ने, अगर ये ढक्कन नहीं रखा गया साथ में आके दम लेता रहूंगा। ये महाराज नवनिर्माण सेना का छोटा सा पदाधिकारी यहीं पर सोएगा रात भर अगर ढक्कन नहीं रखा गया रात में, तो क्योंकि यहाँ पर कई घटना हो चुकी है फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत दूर पड़ने की बात है। अगर ढक्कन का पैसा उनके पास नहीं है तो ये मनसे का कार्यकर्ता है, उसको पैसा देने तैयार है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। कितना पैसा लगेगा ढक्कन का? मैं देने तैयार हूँ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक ढक्कन एक महीने से नहीं है और यहाँ के दुकानदारों ने और हमने कंप्लेन किया है लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सो रही है। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर कई हादसे हो चुके, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौत का इंतजार कर रही है क्या? यहाँ पर जब ये मौत होगी जब जाकर वो ढक्कन रखेगी। इसके लिए हमारे महाराज नवनिर्माण सेना घोर निंदा करती है और हम यहाँ के प्रशासन से अपील करते हैं कि जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनसे बचता कॉर्पोरेशन को उनको निलंबित किया जाए, उनको काम से निकाला जाए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हैं तो उनसे बचता कॉर्पोरेशन का काम करने वालों को काम से निकाला जाए, ढक्कन रखा जाए। ये इरफान सैयद इस कैडर में उतर कर विरोध कर रहे थे। बहरहाल अभी यहाँ पर लकड़ा रखकर इसे ठका गया है।